हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी मौर्य और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर शालिनी मौर्य। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया। जैसे कि हम सभी को पता है आजकल के कोरोना जैसे टफ टाइम में चाहे जवान हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी के लिए जान का खतरा बना हुआ है और मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और नए नए वेरियंट की वजह से अभी और भी कई ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है कि जितने लोगों की मृत्यु होती जा रही है उसके साथ साथ कई ऐसे या बहुत सारे आंकड़े ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो लोग रिकवर हो के अपने घर भी जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे ऐसा क्यों है, क्यों कुछ लोग हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं और कुछ लोग उसी बीमारी से लड़ के ठीक हो रहे हैं। दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है? सिर्फ इम्यूनिटी का है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी अच्छी है वो कोरोना जैसे वायरस से भी लड़ के अपने आप को सुरक्षित रखता है और जिसकी इम्यूनिटी वीक है कोरोना के सामने हार जाता है। तो अब बात आती है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें या फिर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आज आपके लिए एक मेडिसिन लाई हूं। यूज़ की जा रही है हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे जितने भी पूर्वज थे लगातार इस औषधि का उपयोग कर रहे हैं और आगे भी किया जाएगा। आयुर्वेदा में इस औषधि को संजीवनी बूटी की संज्ञा दी गई है। तो जो आज आपके लिए मेडिसिन लाए हैं वो है टीनोस्पोरा कार्डिफोलियम, सरल भाषा में गिलोय भी बोलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है गिलोय एक ऐसा पौधा है जो आपके आसपास आराम से मिल जाता है और आप सभी को पता है कि ये एक इतनी अच्छी मेडिसिन है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाएगा, इसके साथ में आपके ब्लड को प्यूरीफायर करता है, मतलब आपके ब्लड को भी साफ करता है। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हमने कभी ना कभी ये गिलोय नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि गिलोय एक ऐसी औषधि है जो हम बहुत ही नॉर्मली घरों में ज़रूर यूज़ करते हैं। बस गिलोय को ही एक मेडिसिन फॉर्म में होम्योपैथिक में चेंज किया गया है जिसको बोला जाता है टीनोस्पोरा कार्डिफोलियम। गिलोय बहुत अच्छी हमारी इम्यूनिटी करता है इसलिए इसको इम्यूनिटी बार बार बुखार आ रहा हो या फिर आपको मलेरिया जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो तो टीनोस्पोरा आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। जैसे कि आपको ज़्यादातर बुखार दोपहर में आता हो और दोपहर में बुखार आने से पहले आपके शरीर में कपकपाहट होती हो और बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो, आपके शरीर में दर्द रहता हो और बहुत ज़्यादा सरदर्द रहता हो, अगर ऐसे आपको लक्षण दिख रहे हैं तो टीनोस्पोरा मतलब गिलोय आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बुखार बाहर से नहीं दिखता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से छूते हैं हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, यहाँ तक कि थर्मामीटर से भी चेक करने के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर 99 to 100 फ़ारेनहाइट ही दिखाता है, लेकिन हमें अंदर से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही हो, सरदर्द हो रहा हो, पूरे शरीर में थकावट है, अंदर से बुखार महसूस हो रहा हो, कमजोरी जैसी लग रही हो, खाना अच्छा ना लग रहा हो, बहुत शरीर में अकड़न हो रही हो, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपके लिए टीनोस्पोरा बेस्ट है। आपको टीनोस्पोरा मतलब गिलोय ज़रूर पीना चाहिए। या फिर मेल में बार बार बुखार आ रहा हो या फिर बुखार बहुत लंबे समय से आ रहा हो इसकी वजह से स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया हो तो उस कंडीशन में भी टीनोस्पोरा या फिर गिलोय बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब मैं बात करूँगी आपको टीनोस्पोरा या फिर गिलोय लेना कैसे है और कितनी मात्रा में। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले, अगर आपको एक्यूट मलेरिया है या फिर मलेरिया जैसे आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो टीनोस्पोरा या गिलोय के 20 बूंद आधे कप पानी में हर 2 घंटे के बाद आपको लेना है, मतलब हर 2 घंटे में आपको 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के आपको पीना है या आपको लगातार 5 दिन तक लेना।
अगर आपको 5 दिन के बाद बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा हो, उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसकी जड़ ख़त्म होना ज़रूरी है, तो उसके बाद आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम लेना है। ये लगातार आपको 20 से 25 दिन तक ही लेना है, जिससे आपके जो बुखार आ रहा है, या बुखार आ रहा है और फिर ठीक हो रहा है, फिर कुछ दिन के बाद आ रहा है, तो ये प्रोसेस को जड़ से ख़त्म कर। बहुत केसेस में देखा गया है कि बुखार बहुत पुराना है, मतलब महीनों से आ रहा है, आता है फिर ठीक हो जाता है, फिर आता है फिर ठीक हो जाता है, तो उस केस में भी आपको टीनोस्फोरा मतलब कि गिलोय आपको 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम लगातार 15 दिन तक की पीना है। कई बार आपको 15 दिन नहीं, आपको इससे ज़्यादा भी पीना पड़ सकता है। अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो कम से कम 15 से 20 दिन या फिर आपको 1 महीने लगातार पीना है, जिससे आपका जो बुखार इतने महीनों से आ रहा है वो जड़ से ख़त्म होगा। और आप देखेंगे कि आपका जो मुंह का स्वाद बहुत ख़राब लग रहा है, आपकी इम्यूनिटी जो बहुत ज़्यादा वीक है बहुत स्ट्रांग होने लगेगी, और आपके मुंह का स्वाद भी ठीक होने लगेगा और आपको अंदर से अच्छा लगेगा। जैसे कि हम सभी को पता है, इस कोरोना के टफ टाइम में सर्दी, ज़ुकाम, बुखार एक आम बात है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, आपको सर्दी, ज़ुकाम, बुखार हल्का फुल्का दिख रहा है, या 2-3 दिन का गैप हो रहा है, आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं कोरोना के, फिर भी आपको टीनोस्फोरा की 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर और 3 बूंद शाम को डायरेक्टली टंग पर लेना है। टीनोस्फोरा या गिलोय ये इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, साथ में आपके इन्फेक्शन जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसको रोकता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।